हेलो दोस्तों, वेज फूड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रितु और आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पत्तों की भुजिया। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मूली की भुजिया बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मूली और उसके पत्ते। इसको अच्छे से वॉश करके इस तरह से काट लिया है। एक चम्मच तेल, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और एक चम्मच अजवाइन। सबसे पहले हम इन मूली के पत्तों को उबाल लेंगे। सफिशिएंट पानी डाल के इसे तेज गैस पे 15 मिनट के लिए रख दीजिए। ये रहे बॉइल्ड पत्ते। मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, आप एक बार देख लीजिए किस तरह से निकालना है। जब ये ठंडे हो जाए तो इनको हाथों में इस तरह से भर के और दोनों हाथों से इसे टाइट दबा दीजिए। ये देखिए, इसी तरह से सभी पत्तों का पानी निकालना है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। एक पैन में एक चम्मच तेल डालकर उसे गर्म हो जाने दें। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें अजवाइन डाल दें। अब लहसुन और अदरक डालकर इसे थोड़ा फ्राई कर ले। और हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें मूली के पत्तों को डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तब तक चलाइए जब तक कि पानी पूरी तरह से चला ना जाए। मूली की भुजिया रेडी है, इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। दोस्तों, मूली की भुजिया बनाना बहुत ही आसान है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। जल्दी मिलूंगी एक और नई यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।